इस समय जो हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी ध्यान दें। कूटनीति में तो माहिर हैं, दक्ष हैं। संपूर्ण कूटनीति को पढ़ें, कूटनीति पर जितने ग्रंथ हैं, नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं। दिनेश जी शब्द अन्यत्र नहीं मिलेगा, कूटनीति से संबद्ध ग्रंथों को पढ़ के मैंने निकाला है। नमन मिलन दमन अंकन अनुगमन, कूटनीति के 5 प्रभेद होते हैं। नमन मिलन दमन में तो भारत के प्रधानमंत्री जी पहले निपुण थे, अब अंकन अनुगमन में भी निपुण हो रहे हैं। लेकिन दो तथ्यों की ओर उनको ध्यान देना चाहिए। गोवंश की हत्या को दूर करने में अपनी मेधा शक्ति का उपयोग करें। गोरक्षक को गुंडा कहना छोड़ें और सुनो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, समलैंगिकता की बात करते हो, कितने जस्टिस जज या न्यायाधीश हैं जो समलैंगिक विवाह किए हुए हैं। पहले आप जस्टिस के पद से त्याग पत्र दो क्योंकि आपने समलैंगिक विवाह नहीं किया। नपुंसक का नपुंसक के साथ विवाह करा दो, स्त्रियों का स्त्रियों के साथ विवाह करा दो, पुरुषों का पुरुष के साथ विवाह करा दो। मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि व्यभिचार को बल मिलेगा या नहीं। सुनिए, विवाह संस्कार ही धर्म का मूल है। भगवान भी अवतीर्ण होते हैं तो माता पिता की आवश्यकता है। योगा भ्रष्ट विवाह संस्कार में विकृति लाना, हाँ, ये क्या है, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ है। जो जस्टिस न्यायाधीश समलैंगिकता के समर्थक होंगे, मैं तो दंड नहीं दूंगा लेकिन मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, प्रकृति उनको कहीं की नहीं छोड़ेगी। और सबसे पहले वो सिद्ध करें। सुनिए, अगर कोई नपुंसक जस्टिस है, कोई स्त्री जस्टिस है, पुरुष जस्टिस से पहले सिद्ध करें कि उनके समलैंगिक विवाह हुआ है। अगर उनका समलैंगिक विवाह नहीं हुआ है, समलैंगिकता का कलंक भारत को मत मरे, भारत पर मत मरे। और सुनिए, आप कहेंगे आप बोल रहे, सर्वोच्च न्यायाधीश का पद शंकराचार्य का होता है। विवाह जो है वो धार्मिक क्षेत्र का विषय है या नहीं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा था मेरे प्रवचन पर समर्थन में, कहा था कभी धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार सेकुलर शासन तंत्र को प्राप्त ही नहीं होता।